बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है साइकिलिंग का। ऑल्सो वॉच द अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ दिस एयर बाइक इन द लिंक्ड वीडियो। आज की डेट में फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये एयर बाइक अलाउ करती है कि हम एक्सरसाइज अपने घर में अंदर रह के कर सकें। बहुत लोग होते हैं जो बाहर सड़कों पे दौड़ते हैं एंड यू नो जहाँ व्हीकल आती है वहाँ दौड़ते हैं। आई स्ट्रिक्टली से कि प्लीज़ आप वहाँ रनिंग करिए जहाँ क्लोज्ड एरिया हो, गो इनटू सम पार्क, अपनी सोसाइटी के अंदर की बाउंड्री में करिए, बट प्लीज़ रोड पे नहीं। तो उसका एक ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है द एयर बाइक, जो आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं एंड अपनी सुविधा के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर्टिकुलर बाइक में एक अच्छा बैकरेस्ट है और आगे ट्विस्टर भी है, तो उससे ये हेल्प मिलती है कि आप अपनी कमर की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लस व्हेन यू गेट बोर्ड, कार्डियो एक्सरसाइजेज जनरली बहुत ही बोर करती हैं, तो उस केस में इसमें एक पीछे सपोर्टर भी है बैक के लिए, विच अलाउज यू, लेट्स यू टू डू मोर ऑफ साइकिलिंग, एक लेवल का जो आपने डिसाइड किया है वहाँ पहुँचने के लिए। हर एक प्रोडक्ट की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। लेट्स सी कि इस साइकिल में क्या अच्छा और क्या बुरा है। सिर्फ एक बात जो इस साइकिल की मुझे बुरी लगती है कि इसे चलाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जोक्स अपार्ट, एक लिमिटेशन मुझे इस साइकिल की दिखती है कि जब भी मैं खड़ा होकर साइकिलिंग करने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो जिसके लिए साइकिल बनी नहीं है, मुझे एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि जो इसके हैंडल्स हैं वो मेरे थाइज़ में आके लगते हैं। जैसा कि खड़े होकर साइकिलिंग करते टाइम दिख रहा है कि इसका हैंडल मेरे थाइज़ से लग रहा है, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होगा क्योंकि साइकिलिंग करने का मोमेंटम टूट जाएगा। प्लस जो हैंडल है और मेरा नी है उसके बीच में बहुत कम स्पेस फील होती है। ऑल्दो वो कभी लड़ेंगे नहीं, बट फिर भी दिखते हैं तो एक अनइजीनेस रहती है। एंड ओवरऑल आई फील कि ये बैठ के करने के लिए ही ज़्यादा बनी है इंस्टेड ऑफ खड़े होके। ऑल्दो ये नीट पिकिंग हुई, बट फिर भी ये मुझे इसकी लिमिटेशन लगी। अब इस साइकिल की खूबियों के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी हैं इसके फीचर्स के रूप में। सबसे पहला फीचर है कि इसमें साइकिलिंग का हार्डनेस लेवल कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, सो दैट इंडिविजुअल फिटनेस लेवल को अपने डिज़ायर्ड लेवल पर रख सके। तो ये नॉब है, इसे टेक इट राइट पॉजिटिव के डायरेक्शन में तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टेक इट लेफ्ट तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, राइट। आप बहुत इजीली फिर पैडल कर पाएंगे, सी ये बहुत इजीली हो रहा है, बट इफ आई इंक्रीज इट और मैं मैक्सिमम पे कर दूँ, अब ये थोड़ा मुश्किल होता जाता है करना। अब इसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी जब आप साइकिलिंग करेंगे। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, ये थ्रेड देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है साइकिल से। जब हम यहाँ से इसे टाइट करते हैं या ढीला करते हैं, वो मैकेनिज़्म यहाँ से काम करता है और इस पर्टिकुलर बैंड को टाइट करता है। अब आप चाहें कि भाई ये अभी जितना मैक्स पे है इससे और बढ़े, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यू जस्ट ओपन इट, इसको थोड़ा सा और निकालिए आपको जितना चाहिए एंड देन क्लोज। बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी दूसरा इसका एडवांटेजियस फीचर है इसका मीटर। बात करते हैं इसके डिजिटल मीटर पे, तो ये हमें शो करेगा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड कैलोरीज। बेसिकली जितना भी हम चलाएंगे, जैसे अभी डिस्टेंस पे है, सी फॉर नाउ 2.7 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ, बट अगर मैं मोड चेंज करता हूँ, अब ये ऊपर स्पीड बता रहा है 38 किलोमीटर्स पर आवर एंड ये नीचे कैलोरीज है 44 किलो कैलोरीज एंड कितनी देर से कर रहे हैं वो ये बता रहा है। सिर्फ वेट ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, अगर आपको स्टैमिना और एंड्योरेंस मेंटेन करना है तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग। दूसरा सबसे अच्छा इसका फीचर है इसका बैकरेस्ट, जो कि प्रोलॉन्ग साइकिलिंग करने में काफ़ी हेल्प कर देता है, जो कि बहुत थके होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करने की हिम्मत देता है। इसमें एक ओवर द टॉप फीचर भी है जिसमें सामने एक प्लेट है जो हेल्प करती है कि उससे हम अपना लोअर बॉडी
को स्ट्रेच कर सकें, उसको थोड़ा मूवमेंट दे सकें। दस ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। प्लस इसकी प्लेट का ये क्या है कि आप उसे उठा के नट से फिक्स कर सकते हैं, तो हमेशा ज़मीन पे नहीं रखी रहेगी। क्रॉसफिट की ये एयर बाइक एक्टिव प्लस ना कि चलने और यूज़ करने में बहुत अच्छी है, बट देखने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि इस पे जो मेटालिक पेंट है वो पाउडर कोटेड है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ कॉल कर सकते हैं। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज़ द कूपन कोड SAVE500। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अमेज़ॉन का लिंक भी दे दूंगा इस पर्टिकुलर बाइक के लिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो इसे ख़रीदने के लिए यूज़ हो सकती है। आई रिकमेंड एवरीबडी टू डू एटलीस्ट साइकिलिंग एट देयर होम। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं कुछ रीज़न की वजह से, कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, बट आप साइकिलिंग बेसिक कर सकते हैं और अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।